देख सकते हैं भाइयों, ये आपको बताने वाले हैं जो भैया जी हैं किस प्रकार से पानी के भीतर आपको रहना है। पानी के भीतर जाइए, कुछ देर तक पानी के भीतर रहिए और उसके बाद कुछ दूर के बाद निकलिए। बहुत सारे लोग पानी के भीतर जाते हैं, कुछ देर रहते हैं, निकलते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि सांस का प्रैक्टिस होना चाहिए। सांस आपका जितना अधिक देर तक रुक पाएगा उतना अधिक देर तक आप भीतर रह पाइएगा। यदि सांस रुकने में दिक्कतें आएगी तो आप तुरंत निकल जाइएगा। ये बताइए भैया कि पानी के भीतर जो जाते हैं आप क्या करते हैं पानी के भीतर रहने के लिए? बस इसी तरह जिस तरह ऊपर हेलते हैं उस तरह भी भीतर हेलते हैं। तो भैया जी ने बताया कि जिस प्रकार से आप ऊपर तैरते हैं, पहले ऊपर तैरने सीख लेना है वीडियो के माध्यम से, उसके बाद उसी तरह नीचे तैरना है। चलिए आप थोड़ा पानी के भीतर तैर के और उधर निकल के बताइए। देख सकते हैं मछली की तरफ पानी के भीतर गए और थोड़ी देर के बाद वहाँ आपको दूर तक दिखेंगे, क्योंकि अभी नहीं देखिए। वहाँ करीब ये 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद वहाँ भैया पानी में निकले। इसी प्रकार से आपको पानी के भीतर भी रहना है। यदि आप पानी के भीतर रहने सीख गए तो आप आराम से थोड़े थोड़े दूर निकलिएगा। थोड़े थोड़े दूर के बाद आपको कोई देखेगा भी कि तैर रहे हैं या नहीं, आप बहुत दूर तक चले जाइएगा। देखिए वो यहाँ डूबे थे और बहुत बाहर निकले हैं, फिर से एक बार डुबकी लगाए हैं। देखिए अभी कहाँ निकलते हैं। और अगर आप पीछे तैरना चाहते हैं देख सकते हैं वो पीछे भी तैर रहे हैं। उसी का भाई। तो आपको पानी के भीतर इसी प्रकार से भीतर तैरने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि पानी के भीतर अधिक देर तक सांस रोक पाए, भीतर रह पाए। ब्रेक कर, रुको रुके कर। और नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से तैरना है। बहुत सारा इस चैनल पे वीडियो बताया गया है किस प्रकार से तैरना है, लेकिन आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में लोग घर से दूर नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरे घर के जस्ट बगल में तालाब है, वहीं पर आया हूँ तैरने के लिए। आज हम बताएँगे कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया तैरना। सबसे पहले तो गंगा मैया के पास जाएँ तो सबसे पहले 4-5 डुबकी लगाएं मस्त से गंगा मैया के चरणों में, उसके बाद तैरने का प्रैक्टिस हम लोग चालू करते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे सहयोगी अभी पानी के भीतर गए हैं, नहीं रहेंगे।